असलमकुम दोस्तों वेलकम टू आई टी फनकार आज हम सीखेंगे सी डी एम ए सी डी एम ए स्टैंड फॉर कोर डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस दोस्तों फ्रिकुनसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस की तरह सी डी एम ए भी एक टेक्निक है जो कि यूज़र्स को शेयर्ड चैनल पर समल्टेनियसली मल्टीपल एक्सेस देता है तो इधर दोस्तों हम सी डी एम ए की बेसिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे मैं इधर एज्यूम कर रहा हूँ कि सी डी एम ए के बारे में आपने उसकी बेसिक्स को पढ़ा हुआ है तो इधर हम सिर्फ देखेंगे कि सी डी एम ए वर्क किस तरह करता है तो दोस्तों हर यूज़र को एक यूनिक चिपिंग सीक्वेंस असाइन किया जाता है चिपिंग सीक्वेंस ठीक है दोस्तों ये ज़रूरत होता है डाटा की इनकोडिंग के लिए जब डाटा इनकोड होता है तो डाटा जो है वो बिट्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है डाटा को और डाटा चिपिंग कोड के साथ इनकोड करके सेंड किया जाता है और रिसीवर की साइड पे फिर दोबारा वो डी होता है तो उस प्रोसेस को दोस्तों हम अपनी वीडियो में देखते हैं तो दोस्तों अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल डाटा बिट्स एक यूज़र का डाटा सेंड हो रहा है d1 वन इज इक्वल टू माइनस वन और d0 जीरो इज ईक्वल टू वन हम इधर एग्जाम्पल में ये ले रहे हैं कि सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर रहा है वन और जीरो अब आपने इधर ये याद रखना है कि सी डी एम ए में जब डाटा ज़ीरो होगा यानी बिट ज़ीरो ट्रांसफ़र हो रही होगी तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस वन के साथ और वन को एज़ इट इज़ वन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर डी ज़ीरो पे डाटा बिट वन ट्रांसफ़र हो रही है और डी वन पे डाटा बिट जीरो ट्रांसफ़र हो रही है जिसको हम सी डी एम ए में रिप्रेजेंट करेंगे माइनस वन के ज़रिए तो दोस्तों इधर इसका जो कोड यूनिक कोड जो चिपिंग सीक्वेंस स्लॉट वन में डी वन में जो इसको असाइन है सेंडर वन को वो है वन 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 माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन सेम एज़ इट इज़ इधर ये कोड सेंडर वन का तो दोस्तों जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल के लिए बुक टॉप टू डाउन अप्रोच को फेमस बुक है आपको इसके बारे में पता होगा तो उस बुक में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उस बुक में ऑथर ने इसको एक वेव की फॉर्म में डिजिटल वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है डिजिटल डाटा सीक्वेंस तो मैं भी उसी तरह आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ वन 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 माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन इधर भी दोस्तों इसी तरह वन 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 माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन और माइनस वन तो दोस्तों अब होगा क्या इसकी इंकोडिंग किस तरह होगी यानी जब सेंडर से डाटा इंकोड होके चैनल पे जाएगा तो आपने सिंपली करना ये है कि D1 जो है उसकी वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है कोड के साथ D1 वन इंटू कोड तो इधर माइनस वन और प्लस वन विल रिज़ल्ट इन माइनस वन सिमिलरली नेक्स्ट टू वंस के लिए भी जब वो माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वन जब माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट अगेन प्लस वन है ये माइनस वन हो जाएगा और नेक्स्ट थ्री हमारे पास माइनस वन की वैल्यूज़ हैं तो ये जब माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो ये ऑटोमेटिकली प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो दोस्तों इनकोड होने के बाद डी वन पे जो मेरे पास रिजल्टेंट रिज़ल्ट result आया वो ये चीज़ बनी तो अब हम डी ज़ीरो के लिए देखते हैं डी जीरो में हमारे पास जो डाटा बिट ट्रांसफ़र हो रही है वो हो रही है प्लस वन तो प्लस वन जब चिपिंग सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज़ इट इज़ इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस वन इंटू प्लस वन इज़ इक्वल टू प्लस वन प्लस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स माइनस वन 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 ये एज इट इज़ रिप्लीकेट हो जाएगी वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो ये दो बिट्स अब ट्रांसफर हो जाएंगी टुवर्ड्स रिसीवर ये ट्रांसमिट हो गई टुवर्ड्स रिसीवर तो दोस्तों अब हम देखते हैं रिसीवर साइड पे कोड मेरा जो पहले कोड था उसी तरह रेप्लिकेट हुआ और ये रिसीवर पर मुझे डाटा रिसीव हुआ ये स्लॉट वन पे डाटा और ये स्लॉट जीरो पे डाटा अभी हमने देखा था कि जब कोड चिपिंग कोड के साथ डी वन माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ था तो जो स्लॉट वन में हमारे पास रिजल्टेंट जनरेट हुई थी वे वो थी माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन 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 और डी ज़ीरो में चूँकि डाटा हम बेट में हमारे पास प्लस वन थी तो जब वो चिपिंग कोड के साथ मल्टीप्लाई हुई तो एज़ इट इज़ मेरे पास रेप्लिकेट हो गई तो दोस्तों अब जब रिसीवर के पास स्लॉट वन में ये रिसीव हुआ और स्लॉट जीरो में ये रिसीव हुआ तो वो अब डी कोडिंग किस तरह करेगा और वो एक्चुअल जो डाटा बिट्स थी उनको एक्सट्रैक्ट किस तरह करेगा तो डी कोडिंग अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कोड को और जो सेंडर ने हमें डाटा सेंड किया था उसको आपने मल्टीप्लाई करना है प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन सिमिलरली माइनस वन प्लस वन माइनस वन नेक्स्ट भी इसी तरह माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ मेरे पास माइनस वन की वैल्यूज़ आई तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो माइनस एट आया दोस्तों डी करते वक्त फर्स्ट स्टेप जो था स्टेप वन उसमें आपने कोड को और जो सेंडर से हमारे पास डाटा आया था लेट्स वो जी से डिनोट हमने किया उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है चिपिंग कोड और जो हमारे पास सेंडर की तरफ से डाटा आया जब उसका हमारे पास रिजल्ट निकल आया तो अब नेक्स्ट स्टेप स्टेप टू हमने क्या करना है कि उसको डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स तो इधर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थी तो माइनस एट डिवाइड बाई एट मेरे पास वैल्यू माइनस वन निकली जो के इक्वल है d1 वन माइनस वन तो दोस्तों एक्जैक्टली exactly वो वैल्यू जो के उधर सेंडर ने सेंड की थी इसी तरीके से अगर मैं सेम प्रोसेस करता हूँ स्लॉट ज़ीरो के लिए तो हम देख लेते हैं प्लस वन प्लस वन प्लस वन अच्छा इधर जब माइनस वन और माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस वन हो जाएगा वन वन प्लस वन और इधर भी माइनस वन है इधर भी माइनस वन है तो ये भी प्लस वन हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं इसका भी आंसर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जब मैं ऐड करूँगा तो प्लस एट आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप था हमारा स्टेप टू जिसमें हमने प्लस एट को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स के साथ तो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स मेरे पास एट हैं तो एट डिवाइडेड बाय एट इज़ इक्वल टू वन जो कि एग्जैक्टली सेम है डी ज़ीरो के तो दोस्तों आपने देखा डी कोडिंग करते वक्त किस कितना सिंपल है कि कोड को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है जो सेंडर का डाटा मेरे पास रिसीव हुआ है जो सेंडर ने इनकोड करके सेंड किया है और नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स के साथ तो इस तरह मुझे पता चला कि स्लॉट ज़ीरो में जो मेरे पास सेंडर ने डाटा सेंड किया था वो इक्वल है वन के और स्लॉट वन में माइनस वन जो के मैंने आपको बताया था कि इक्वल होता है हमारे पास ज़ीरो के तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि जब एक से ज़्यादा यूज़र डाटा सेंड करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह एक्सट्रैक्ट होगी दोस्तों इस एग्जांपल में अब हम देखते हैं कि दो यूज़र्स का डाटा किस तरह जाएगा सेंडर वन है सेंडर टू है हमारे पास सेंडर वन का जो चिपिंग सीक्वेंस है वन 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 माइनस वन वन और माइनस वन माइनस वन माइनस वन सेम एट इज़ एज़ इट इज़ डाटा बिट ज़ीरो और डाटा बिट वन के लिए सेंडर टू में जो हमारे पास चिपिंग सीक्वेंस है वो चेंज है क्योंकि सी में हर यूज़र का जो चिपिंग सीक्वेंस होगा वो यूनिक होगा यानी दूसरे से मुख्तलिफ होगा जिसकी बेस पर वो सारे चैनल को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकेंगे दोस्तों इसका जो चिपिंग सीक्वेंस है वन माइनस वन 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 माइनस वन 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 डेटा बिट जो डाटा सेंड कर रहा सेंडर वन डाटा बिट वन में माइनस वन और डेटा बिट ज़ीरो वन सेंडर टू जो सेंड कर रहा है डाटा बिट वन में वन और डाटा बिट जीरो में भी वन यानी ये जीरो वन डाटा सेंड कर रहा है और ये वन वन डाटा सेंड कर रहा है दोस्तों ये जो है ये किस तरह इनकोड होगा तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं तो इसको आपने इस तरह समझना है कि जब एक सेंडर का जो डाटा हमारे पास सेंड हो रहा था तो हमारे पास C इंटू डी मल्टीप्लाई हो रहा था यानी चिपिंग कोड जो कि चिपिंग सीक्वेंस हर यूज़र को असाइन होता था एक यूज़र को और उसका डाटा बिट डाटा बिट वन है या डाटा बिट ज़ीरो है इसमें हमने करना क्या है कि C इंटू डी पहले हमने कैलकुलेट करना है फॉर सेंडर वन तो दोस्तों अब सिंपली हम करते क्या हैं बहुत इजी इनशाला मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझने में इसका कोई इशू नहीं होगा पहले हम सेंडर वन के लिए सी इंटू डी कैलकुलेट कर लेते हैं सी इंटू डी तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन नेक्स्ट माइनस वन माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस वन इंटू वन माइनस वन और नेक्स्ट टीन माइनस वन है और डी वन भी माइनस वन है तो ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन सेंडर टू के लिए सीन टू डी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास डाटा बिट वन में जो वैल्यू वो वन है तो ये इसी तरह रिप्लीकेट हो जाएगा प्लस वन माइनस वन 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 वन, वन माइनस वन 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 अब दोस्तों हम इनको क्या करते हैं कि हम इनको इधर ऐड कर देते हैं माइनस वन प्लस वन क्या आ जाएगा ज़ीरो माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस वन प्लस वन ये कैंसल आउट हो जाता है ज़ीरो प्लस वन प्लस वन टू माइनस वन प्लस वन ज़ीरो प्लस वन और प्लस वन ये मेरे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा टू और इसी तरह अगली वैल्यू प्लस वन प्लस वन ये भी मेरे पास आ जाएगा टू तो तो दोस्तों इधर मेरे पास रिज़ल्ट आया वो कुछ इस तरह से बनेगा इधर अगर मैं आपको ड्रा करके दिखा दूँ पहली जो स्लॉट की स्पेस थी ज़ीरो उधर हम कुछ नहीं ड्रा करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो है माइनस टू की माइनस टू नेक्स्ट स्लॉट फ्री ज़ीरो then टू 0 0 एंड टू टू दोस्तों ये मेरे पास आया जब मैंने दोनों सेंडर्स का डाटा एक साथ चैनल पे सेंड कर दिया अब जो रिसीवर के पास ये डाटा पहुँचेगा तो वो ये दोनों का कंबाइंड डाटा एस वन सेंडर वन और सेंडर टू का अब इसमें से जो है रिसीवर वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो दोस्तों इधर समझाने के लिए आपको मैंने अभी सिर्फ जो वर्किंग की वो D1 पे की तो हम D0 पे भी करके देख लेते हैं बहुत ही आसान है बिल्कुल इसी तरह होगा इधर हम देख लेते हैं तो सिंपली हमने करना क्या है कि सेंडर वन के लिए अब ये हम डी ज़ीरो स्लॉट के लिए यानी डी जीरो डाटा के लिए स्लॉट के लिए हम ये कर रहे हैं वर्किंग तो दोस्तों इधर सेंडर वन का सी टू डी अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो डी वन है तो ये इसी तरह जब ये वापस में मल्टीप्लाई होगा तो रेप्लीकेट हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन डी ज़ीरो ये मेरे पास वन है सेंडर टू का तो इसका भी चिपिंग सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह मेरे पास रेप्लीकेट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा दोस्तों प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन नेक्स्ट माइनस वन प्लस वन प्लस वन इन दोनों को सिंपली हमने ऐड कर देना है तो अब वन प्लस वन टू प्लस वन माइनस वन ज़ीरो टू ज़ीरो तो दोस्तों इधर माइनस वन माइनस वन मेरे पास माइनस टू माइनस वन प्लस वन ज़ीरो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो तो जो मेरे पास रिज़ल्ट जनरेट हुआ टू ज़ीरो टू ज़ीरो टू माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो तो दोस्तों सेंटर वन और टू का कंबाइंड डाटा जो कि डी वन डेटा बिट वन का डाटा है वो इसी तरह जाएगा सेंडर के रिसीवर के पास और जो डी ज़ीरो का रिज़ल्ट है वो इसी तरह से ट्रांसमिट हो जाएगा चैनल पे रिसीवर के पास तो अब हम देखते हैं जब रिसीवर के पास ये कम्बाइंड डाटा टी वन की सूरत में और डी ज़ीरो की सूरत में पहुँचेगा तो वो इसे किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेगा और डिटरमाइन करेगा कि ये सेंडर वन का डाटा है या सेंडर टू का डाटा है और डाटा हमें रिसीव किया हुआ है तो दोस्तों आ जाते हैं रिसीवर के साइड पे हमने देखा था कि जब चैनल में एक से ज़्यादा यूज़र्स डाटा को ट्रांसमिट करेंगे तो उनका डाटा कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास चैनल पर ट्रांसमिट होगा तो अब रिसीवर पे चैनल पे जो डाटा हमें रिसीव हुआ वो कंबाइंड फॉर्म में हुआ स्लॉट वन में भी स्लॉट ज़ीरो में भी तो अब अगर रिसीवर ने इससे सेंडर वन का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन से स्टेप्स वो करेगा तो उसको सेंडर वन का डाटा रिसीव होगा और कौन से स्टेप्स वो करेगा तो उसको सेंडर टू का डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो वो अब हम देखते हैं इसके लिए रिसीवर के पास चिपिंग कोड होना ज़रूरी है सेंडर वन का तो पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं जो सेंडर वन था उसके पास स्लॉट वन में डी वन इज़ इक्वल टू माइनस वन डी ज़ीरो इज़ टू वन और उसका चिपिंग कोड ये था तो जिस तरह हमने एक यूज़र का डाटा डी करते वक्त किया था सी इंटू डी उसी तरह हम स्लॉट वन में जो हमारे पास रिसीव हुआ है इसको हम जी कह लेते हैं सेंडर का जो डाटा कंबाइंड और उसको हम चिपिंग कोड जो कि था सेंडर वन का उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दोस्तों इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा वन इंटू ज़ीरो इज सिंपली ज़ीरो वन इंटू माइनस टू माइनस टू वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन इंटू टू माइनस टू ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो ज़ीरो इंटू माइनस वन ज़ीरो और नेक्स्ट टू कोड में मेरे पास माइनस वन माइनस वन है और जो डाटा मेरे पास आया है उसमें टू टू है तो ये माइनस टू और माइनस टू हो जाएगा अब हमने डी कोड करते वक्त स्टेप में देखा था कि इस सब वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू दिस इक्वल्स माइनस एट तो अब फार्मूले के मुताबिक हमने माइनस एट को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ बिट्स के साथ तो माइनस एट डिवाइडेड बाय एट मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ गया माइनस exactly वन जो कि एग्जैक्टली सेम है टी वन जो सेंडर वन ने मुझे सेंड किया था इसी तरीके से दोस्तों स्लॉट ज़ीरो के लिए देख लेते हैं इधर मैं अगर इसको रब कर दूं, कोड सी इंटू इसको हम जी कह लेते हैं इसको हमने जी वन कह दिया इसको हम जी टू कह देते हैं तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू वन इक्वल्स टू वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो वन इंटू टू टू और माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो नेक्स्ट मेरे पास वन इंटू टू इज प्लस टू और माइनस वन इंटू माइनस टू ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस टू नेक्स्ट मेरे पास दोनों के लिए ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा ज़ीरो और ज़ीरो तो टू 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 दिस अगेन इक्वल्स प्लस एट और प्लस एट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बिट्स एट इज़ इक्वल टू वन एक्जैक्टली जो के सेंडर वन ने मुझे डाटा सेंड किया था तो दोस्तों इसी तरीके से आप सेंडर टू के डाटा को भी इसी रिसीव्ड इनफॉर्मेश तो दोस्तों अब हम केस देख लेते हैं सेंडर टू का सेंडर टू का चिपिंग कोड मेरे पास ये था और डी वन इज़ इक्वल टू वन और डी ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन तो सिंपली इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं जो मेरे पास डाटा रिसीव हुआ तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके चिपिंग कोड के साथ रिज़ल्ट मेरे पास क्या निकलेगा वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो ओके गाइस उसके बाद माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू 1 into 0, अगेन 0, 2 into 1, plus 2, फिर 0, फिर 0, और नेक्स्ट 2 के लिए 2 plus 2, 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 8 divided by 8 is equal to 1. सिमिलरली z2 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें स्लॉट 0 के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करें आपस में 2 into 1 इज़ टू नेक्स्ट स्लॉट जीरो है तो वो एज़ इट इज़ जीरो आ जाएगी नेक्स्ट स्लॉट में हमारे पास इधर थर्ड पे क्या वैल्यू है वन और इधर टू uh, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके टू आ हो जाएगा इसी तरह ज़ीरो प्लस टू अब माइनस टू है और इधर माइनस वन है तो ये प्लस टू आ जाएगा टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू ये मेरे पास प्लस एट आ जाएगा डिवाइडेड बाई एट इज़ टू वन तो एग्जैक्टली exactly सेम जो कि मुझे सेंडर टू और सेंडर वन ने डाटा सेंडर टू ने सॉरी डाटा सेंड किया था डी वन और डी ज़ीरो पे दोस्तों आपने आज की वीडियो में सीखा कि कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह काम करती है इंतहाई आसान है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा तो मज़ीद इस तरह की ज़बरदस्त इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए अल्लाह हाफिज़